सितंबर तक बताया जा रहा है कि टिकट की घोषणा कर दी जाएगी, प्रत्याशी तय कर दिए जाएंगे। अशोक गहलोत का शानदार कार्यकाल और सचिन पायलट की युवाओं के प्रति आकर्षण पार्टी दोनों को भुनाना चाहती है। हरी सिंह जी के मन में क्या है? हरी सिंह जी चुनाव में जिलाध्यक्ष के रूप में ही भूमिका निभाने वाले हैं या दावेदार के रूप में भी दिखाई देंगे? नए जो चेहरे आएंगे 50%, उनको पूरे क्षेत्र में घूमने के लिए, अपना चेहरा जनता तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा समय की जरूरत होती है, तो उससे वो आराम से जनता तक पहुंच सकेंगे, अपनी बात रख सकेंगे। राजस्थान के किसी भी नेता के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा? और पंचायत हेड होकर पहुंच गए पर मजरे में बाकी रह गए, तो मजरे वाले नाराज होते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई प्रत्याशी आई ही नहीं, तो वो एक कमी थी। राजसमंद विधानसभा की पर्टिकुलर बात करें तो लोग ये भी कहते हैं कि राजसमंद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दावेदार अपनी दावेदारियाँ बड़ी जोर शोर से कर रहे हैं, कांग्रेस का कोई चेहरा सक्रिय नहीं दिखाई देता है। नारायण जी बाटी भी लड़े थे, तंशु जी बोरा भी लड़े थे, पर उस समय की कमी की वजह से इन दोनों प्रत्याशियों को 20 दिन मात्र मिले थे और 20 दिन में पूरे क्षेत्र में घूमना असंभव सा मामला है। भीम विधायक सुदर्शन सिंह जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हरी सिंह अध्यक्ष साहब आप घबराओ मत, अधिकारियों की टेबल बजाना सीखो आप, तो ये कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद कुछ जोश ज़्यादा हो जाता है और या फिर अधिकारियों को डराने धमकाने की बातें आती हैं। राजस्थान पिछड़ा नहीं है, राजस्थान देश में दूसरे नंबर पे विकसित प्रदेशों की सूची में आ गया। ये राजसमंद और कुंभलगढ़ क्षेत्र के लिए तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। कांग्रेस में लंबे समय बाद एकजुट होकर ऐसी मुस्कुराहट जिसमें लग रहा था कि हाँ थोड़ा बहुत कुछ न कुछ बढ़िया निकल के आ रहा है, तो अब लग रहा है कि आने वाले चुनाव बेहतर होने वाले। मैं भी उम्मीदवार रहा हूँ तो मैं 2 बार मेरे को पार्टी ने आजमा लिया है, मैं सीट नहीं निकाल पाया। आज देश में किसी की लोकप्रियता का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो वो एकमात्र व्यक्ति है राहुल गांधी। जब कोई विधायक आपसे समय लेके आ रहा है और उसके साथ अगर 5 से 10-15 व्यक्ति भी हैं तो आपको बड़े अधिकारी को भेज के बुला लेना चाहिए जी। कोई हमला थोड़ी करेगा वो कलेक्ट्री पे। उन्होंने तो सचिन पायलट को नकारा, निकम्मा, कितनी बातें कही, मगर आज फिर एक बार एक साथ मुस्कुराए दिखाए, मुस्कुराते दिखाए। गहलोत साहब का जो कार्यकाल रहा और जो इन्होंने जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई और उसका डंका पूरे राजस्थान में चल रहा है। राजसमंद एक्सप्रेस पर वीडियो आया था और उस वीडियो के माध्यम से हमने एक विषय उठाया था कि क्यों ना राजस्थान में कांग्रेस इस बार टिकट घोषणा थोड़ी जल्दी कर दे और राजसमंद के परिदृश्य को देखते हुए कम से कम राजसमंद और कुंभलगढ़ विधानसभा में जल्दी कर दे। तो ऐसा लग रहा था कि वो विषय कांग्रेस की जो एक बड़ी बैठक थी दिल्ली में वहाँ तक पहुँचा और वहाँ से जो घोषणाएँ निकल कर आई उन घोषणाओं में कई अलग अलग बिंदुओं पर सहमति बनी, मगर 2 ऐसे बिंदु थे जो बड़े ही चौंकाने वाले थे, उसमें एक बिंदु ये भी था और साथ ही बड़े समय बाद कांग्रेस के सारे चेहरे एक साथ थे और मुस्कुराते दिखे। ऐसा दिखाने की कोशिश थी कि अब हम सब साथ साथ हैं। तो इस पूरे विषय पर अब हमारे साथ राजसमंद में जो एक व्यक्ति इस पर बिल्कुल अधिकृत रूप से कुछ कह सकते हैं वो अभी हमारे साथ हैं, राजसमंद कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरी सिंह राठौड़ अभी हमारे साथ है। आपसे जानना चाहेंगे कि अलग अलग बिंदु तो बताए गए मगर 2 जो बिंदु बड़े अहम निकल कर आए, पहला राजस्थान के किसी भी नेता के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा और दूसरा सितंबर तक बताया जा रहा है कि टिकट की घोषणा कर दी जाएगी, प्रत्याशी तय कर दिए जाएंगे। तो पहले अगर मैं दूसरे बिंदु से शुरू करूँ तो राजसमंद के दृष्टिकोण से, क्योंकि आप 2 चुनाव लड़ चुके हैं, आपको लगता है कि ये राजसमंद और कुंभलगढ़ क्षेत्र के लिए तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है? नहीं, राजसमंद और कुंभलगढ़ की लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए अच्छा रहने वाला है। जो नए प्रत्याशी अगर उतरते हैं तो उनको समय चाहिए होता पूरे एरिया में घूमने करने के लिए, और जो स्थापित चेहरे हैं उनको समय कम चाहिए, पर जो नए चेहरे अब सुनने में आ रहा है कि युवाओं को और महिलाओं को जो तरजीह दी जा रही है तो 50% टिकट इनको मिलेंगे, तो ये नए जो चेहरे आएंगे 50%, उनको पूरे क्षेत्र में घूमने के लिए, अपना चेहरा जनता तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा समय की जरूरत होती है, तो उससे वो आराम से जनता तक पहुंच सकेंगे, अपनी बात रख सकेंगे और कोई एरिया उनसे छूटेगा नहीं। कुंभलगढ़ और राजसमंद का तो मैं थोड़ा विशेष रूप से इसलिए क्योंकि इसको कवर भी कर रहे हैं और दोनों ही क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है, तो ऐसे में कोई एक चेहरा आता है तो उसको उसके लिए तो और भी ज़्यादा थोड़ी बेहतर स्थिति हो जाएगी, उसको थोड़ा समय मिलेगा। निश्चित रूप से
निश्चित रूप से यहाँ जो चेहरे आ रहे हैं, अब आपने देखा मैं भी उम्मीदवार रहा हूँ तो मैं दो बार मेरे को पार्टी ने आजमा लिया है, मैं सीट नहीं निकाल पाया। और भी कई जगह युवा बीच में चुनाव लड़े थे, नारायण सिंह जी भाटी भी लड़े थे, तंसु जी बोरा भी लड़े थे, पर उस समय की कमी की वजह से इन दोनों प्रत्याशियों को 20 दिन मात्र मिले थे और 20 दिन में पूरे क्षेत्र में घूमना असंभव सा मामला है। एक हाजिरी लगाने के लिए भले घूम जाओ पर जो समय चाहिए जनता से संवाद करने का वो नहीं मिल रहा था, और उस वजह से कहीं गए, कहीं छोटे मजरे उनके बाकी रह गए, पंचायत हेड होकर पहुँच गए पर मजरे में बाकी रह गए, तो मजरे वाले नाराज़ होते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई प्रत्याशी आई ही नहीं, तो वो एक कमी थी। और कमी खली थी, कार्यकर्ताओं का फीडबैक भी जब भी हमने लिया तो कार्यकर्ताओं का फीडबैक यही आया कि आप टिकट 2 महीने पहले दें कम से कम, और अभी पार्टी ने निर्णय लिया है तो ये कार्यकर्ताओं की आवाज़ ही ऊपर पहुंची है और उस पर बड़ा शानदार निर्णय लिया उन्होंने। शानदार निर्णय के इस निर्णय के साथ एक निर्णय और भी निकल कर आया है कि चुनाव में कोई भी चेहरा नहीं होगा, तो ये इसको कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री लगातार, क्योंकि राहत कैंप के देखते हैं हम तो पोस्टर पूरे शहर में गलियों में इतने ज़्यादा हो गए कि मुख्यमंत्री का एक चेहरा बड़ी प्रमुखता के साथ सभी जगह दिखाई दे रहा था, मगर पार्टी ने फैसला किया है कि बिना किसी चेहरे के चुनाव में जाएंगे। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का ये कार्यकाल तीसरा कार्यकाल है, राजस्थान ही नहीं पूरे देश में सबसे अच्छा कार्यकाल माना जाएगा कि इन्होंने प्रदेश को अपने अर्थ व्यवस्था की सुधार करके देश को, राजस्थान को देश में विकास के मामले में दूसरे नंबर पे ले गए, जो स्वयं ने प्रधानमंत्री के सामने नाथद्वारा में उल्लेख किया था कि अब राजस्थान पिछड़ा नहीं है, राजस्थान देश में दूसरे नंबर पे विकसित प्रदेशों की सूची में आ गया है। उसके बावजूद भी पार्टी ने कहा कि चेहरा नहीं रखेंगे, गुजरात से आगे निकल गया है। अब चेहरे की जहाँ तक मैं आता हूँ उसी बात पे, कि चेहरे की जहाँ तक बात आते हैं तो हमने कर्नाटक मॉडल भी अपनाया, कर्नाटक में कोई चेहरा नहीं दिया, कर्नाटक में भी वही तिरंगा है हमारा निशान और हाथ का निशान है और उसी पर चुनाव लड़े हैं, पर उसमें दो चेहरे मुख्य थे, डॉक्टर शिव कुमार भी थे और जो मुख्यमंत्री जी भी थे, पर इन दोनों का ही एडवांटेज पार्टी को मिला। इसी तरह से जो गहलोत साहब का जो कार्यकाल रहा और जो इन्होंने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई और उसका डंका पूरे राजस्थान में चल रहा है कि ऐसी योजना देश में किसी प्रदेश में नहीं है, इतनी बेहतरीन योजनाएं यहाँ चलाई, 3-4 तो जैसे गैस सिलेंडर का 500 रुपये में देना हो, चिरंजीवी योजना हो, ओपी स्कीम लाना हो, योजनाओं के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि चेहरा नहीं बनाया जाना, कहीं ना कहीं सचिन पायलट को थोड़ा खुश करने की कवायद है। पार्टी ये चाहती है कि इधर, तो मैं आपसे वो बात आ रहा हूँ उसी पे कि अशोक गहलोत का शानदार कार्यकाल और सचिन पायलट के युवाओं के प्रति आकर्षण पार्टी दोनों को भुनाना चाहती है। उन्होंने तो सचिन पायलट को नकारा, निकम्मा, कितनी बातें कही, मगर आज फिर एक बार एक साथ मुस्कुराए दिखाए, मुस्कुराते दिखाए। वो पार्टी में चलता रहता है, कभी विवाद हो जाता है, ये हो जाता है, किसी मुद्दे पे भिन्नता आती है और उनका भी स्वाभाविक है कि वो मानते हैं कि मैं पहले प्रदेश अध्यक्ष था और चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा गया तो मैं स्वाभाविक रूप से CM का दावेदार हूँ। तो अब ये ऐसा लग रहा है कि आज, क्योंकि सारे चेहरे मुस्कुरा के दिखे, रहा कांग्रेस में लंबे समय बाद एकजुट होकर ऐसी मुस्कुराहट जिसमें लग रहा था कि हाँ थोड़ा बहुत कुछ न कुछ बढ़िया निकल के आ रहा है, तो अब लग रहा है कि आने वाले चुनाव बेहतर होने वाले। मेरा ये मानना है पर्सनली, पार्टी के इतर बात कर रहा हूँ, कि जब आलाकमान मजबूत होता है तो पार्टी में अनुशासन स्वाभाविक रूप आ जाता है और इस बार राहुल गांधी का जो पदयात्रा के बाद, भारत भ्रमण के बाद जो कद बढ़ा है और जो पार्टी में उनकी स्वीकृतता बढ़ी है और जो पब्लिक में जहाँ जा रहे हैं वो एक भीड़ खिंचाऊ नेता के रूप में उभर के आ रहे हैं। आज देश में किसी की लोकप्रियता का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो वो एकमात्र व्यक्ति है राहुल गांधी। आपने अभी बीच में एक जगह कहा भी था कि वो पप्पू नहीं पापा बन गए। बिल्कुल, पप्पू मैं पापा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ पप्पू करके नाम उनका बदनाम कर दिया गया था। वो एक इंटेलेक्चुअल है, पढ़े लिखे है और उनमें हर बात को समझने का मादा है और वो बड़े संयमित रूप से उसका जवाब दे रहे हैं। आपके कोई पत्रकारों के जवाब
उन्होंने नहीं छोड़े, हर मुश्किल प्रश्न का जवाब उन्होंने बड़ी सरलता के साथ दिया है, यही उनकी पर्सनैलिटी है और उसी से उनकी इमेज पलटी है। मिलाकर लाभ लाभ होने वाला है, बहुत भारी लाभ होने वाला। राज संबंध में क्या लाभ रहेगा? राज संबंध में भी जो दोनों एक हो रहे हैं, तो युवा का जो आकर्षण पायलट के साथ, पायलट साहब के साथ है, वो पार्टी को फायदा मिलेगा। पर एक एक, एक लोग जैसे राजसमंद विधानसभा की पर्टिकुलर बात करें तो लोग ये भी कहते हैं कि राजसमंद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दावेदार अपनी दावेदारियां बड़ी जोर शोर से कर रहे हैं, कांग्रेस का कोई चेहरा सक्रिय नहीं दिखाई देता है। कांग्रेस के जो आपने देखे होंगे अभी कि अभी हमारे पर्यवेक्षक आए हैं और हमारे भी जितने भी दावेदार थे उन्होंने अपनी अपनी दावेदारी जताई उनके सामने, तो पहला दौरा उनका हुआ है। पर आज ही मैंने देखा है जो पर्यवेक्षकों ने जो दिल्ली में रिपोर्ट दी है, सभी पर्यवेक्षकों को, सब प्रभारियों को हटा दिया गया है कि पार्टी, और मैं सोचता हूँ कि पार्टी अपने स्तर पे, मुख्यमंत्री अपने स्तर पे और हमारे पार्टी के अध्यक्ष डोटासरा साहब अपने स्तर पे बहुत बड़ा सर्वे करा रहे हैं और उस सर्वे से अगर नाम मेल नहीं खाता है तो वो मानते हैं कि गालम मेल है, और इसी वजह से आज 400 प्रभारियों पे बिजली गिरी है और उनको हटा पदमुक्त कर दिया गया है। सह प्रभारी वाले मामले के आपने जिक्र किया, तो वो जिस दिन सह प्रभारी जी आए थे उस दिन आपकी एक मीटिंग भी थी, मीटिंग में हमने देखा था कि भीम विधायक सुदर्शन सिंह जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हरि सिंह अध्यक्ष साहब आप घबराओ मत, अधिकारियों की टेबल बजाना सीखो आप। तो ये कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद कुछ जोश ज़्यादा हो जाता है और या फिर अधिकारियों को डराने धमकाने की बातें आते हैं। वो युवा हैं, वो युवा हैं और उनमें जोश हैं, और वो उनके कुछ मुद्दे थे जैसे कि वो जो पकड़े गए कन्हैया हत्याकांड के मुलजिम, उन दोनों को उन्होंने वादा किया था कि हम आपको गन का लाइसेंस, जिन्होंने पकड़वाया उनको, हाँ लाइसेंस देंगे आपको सेफ्टी के लिए। पर वो तो भाजपा के, भाजपा आप कह रही है हम दिलवाएंगे, कांग्रेस से तो नहीं हुआ। अब कांग्रेस पार्टी ने तो दावा किया नहीं, तो वो तो सुदर्शन सिंह जी ने कहा था कि हम देंगे और उसकी प्रक्रिया भी है और दिलाना चाहिए। एक हमारा कोई विधायक कोई छोटा कमिटमेंट करते था 2 लाइसेंस के लिए, तो दिए जाने चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ दिए जाने। पर वो ऐसा भी तो होता है ना, आपने कहा गुस्से में रहते था, वो जिस दिन ये मुद्दा उठा था बड़ी संख्या में भीड़ लेके आए, पर उस दिन उन्होंने वहाँ कलेक्ट्री में उनके और उस पुलिस वाले प्रकरण में कलेक्टर साहब से इतना हंगामा हो गया कि वो मूल विषय तो कहीं दब ही गया। मैं कह रहा हूँ वो जोश में युवा हैं, जोश में हैं, काम भी कर रहे हैं, तो एक उनको भी दोनों तरफ से कुछ खामियां थी। जब कोई विधायक आपसे समय लेके आ रहा है और उसके साथ अगर 5 से 10-15 व्यक्ति भी हैं तो आपको बड़े अधिकारी को भेज के बुला लेना चाहिए जी। कोई हमला थोड़ी करेगा वो कलेक्ट्री पे, ठीक है। और उनकी भी मैं मानता हूँ जिन्हें ऐसे ही कि वहाँ ड्यूटी लगा रखी थी, उनको तो यही कहा गया था कि आप 5 से ज़्यादा नहीं आने थे, वो अपनी ड्यूटी में जा रहे थे। अगर इनको भी कोई और शिकायत थी तो SP साहब से उसी वक्त फ़ोन पे बात कर लेते, कलेक्टर साहब से फ़ोन पे बात कर लेते, तो ये रास्ता। एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये सवाल ऐसा होता है कि अमूमन राजसमंद विधानसभा जो है पर्टिकुलर वहाँ के जितने भी कांग्रेस के दावेदार हैं उनकी धड़कने इस सवाल से ऊपर नीचे होती रहती है कि हरि सिंह जी के मन में क्या है, हरि सिंह जी चुनाव में जिलाध्यक्ष के रूप में ही भूमिका निभाने वाले हैं या दावेदार के रूप में भी दिखाई देंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे को पार्टी ने 2 बार मौका दिया है, 2008 और 2013 में, और मैं पार्टी के अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पाया और सीट को जिता नहीं पाया। उसके बाद इलेक्शन हो गए तो मैं उसमें प्रत्याशी नहीं था, मैंने दावेदारी 2018 में भी नहीं की और मैंने दावेदारी उपचुनाव में भी नहीं की। अब जो समय है, जो मेरे पास इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं पार्टी के, वो ये आ रहे हैं कि 50 साल से नीचे वालों को प्रेफरेंस देंगे, तो मैं तो ऑलरेडी 70 में आ चुका हूँ, तो जब मैंने पहले ही दावेदारी छोड़ दी है तो अब मैं क्यों नए सिरे से वापस दावेदारी करूँगा। निश्चित रूप से मेरे को पार्टी ने और बड़ी जिम्मेदारी दे दी है कि आप राजसमंद ज़िले में आपका अनुभव को लेके आप चारों ज़िलों में 4 सीटें निकाल के लाएँ, और अगर 4 सीटें निकल के आती है तो मेरी 1 MLA से भी ज़्यादा इमेज हो जाएगी। तो देखा आपने आज कांग्रेस की मीटिंग के बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आए उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला विषय था कि प्रत्याशियों की घोषणा तकरीबन 3 माह पहले हो जाएगी, और आपने सुना कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़
स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमने जो पिछले दो चुनाव कहीं ना कहीं गंवाए हैं उसमें एक बहुत कम समय मिला था प्रत्याशियों को, तो अगर ऐसी स्थिति में ये निर्णय राजसमंद में लागू होता है तो आगे आने वाले समय में चारों ही सीटों पर हम एक मजबूत चुनाव लड़ेंगे। और चुनावी चेहरे को लेकर जो बात कही उसमें भी बताया गया कि किस प्रकार से पार्टी एक तालमेल के साथ अब इस चुनाव में जाना चाहती है, सरकार को पुनः एक बार दोहराना चाहती है, और साथ में आखिर में आते आते अपनी दावेदारी को लेकर बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि मैं दावेदार नहीं हूं, और उससे भी ज़्यादा स्पष्ट रूप से ये बात कही गई है कि राजसमंद विधानसभा में या आगे आने वाले इन चुनावों में युवाओं को वरीयता दी जाएगी। आप सभी तक ये तमाम राजनीतिक खबरें हम समय समय पर विश्लेषण के साथ लेकर आएंगे। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।